वेणु करे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री सते लक्ष्मी शपत्नावहो रात्र पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम मिखणन निखाणा मुम्मय खाण सर्वलोकम मई खाण। अथ आरारतिज्ञा ओम इदगुं हविः प्रजननम् मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्य भयसने अग्निः प्रजां बहुलां करोत्तन्नं पयोरितो समासो धत्त। आरति श्री रामायने जी की रत कलित ललित सिया पी। आरति श्री रामायने जी की रत कलित ललित पीकी तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संतादि शेष अनुसार बरनी पवन सुत कलित ललित सिय पीति गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आग भुसुंगी करुण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुरुगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
रामचंद्र की जय हो, बोलिए बजरंग बली की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सीता माता की जय हो, सरयू माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राम। आइए एक छोटा सा भजन है। जैसे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री श्री जान की वल्लभ हो विजयते तरा श्री रा
कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ सहित आसन धरहु सुनहु कथा करु गान श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री सीतानाथ समारंभा नाथ या मुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्याम 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 सीता
चंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन्हकी है जग का कली समुद्र बूढ़त परिपूर्णतम परमात्मा अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावर वाले भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन। एवं यहाँ उपस्थित जितने भी हमसे बड़े हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। दूर दराज से आए हुए सभी कथा प्रेमीगण एवं मंच पर आसीन सभी हमारे सरस्वती पुत्र आचार्य जी लाइव कर रहे पी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी हमारे भाई आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं लेकिन पी न्यूज चैनल के माध्यम से ये कथा घर में बैठे हुए सभी भाई बहन सभी कथा प्रेमीगण ये कथा श्रवण कर रहे हैं। पी न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस कथा को चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में हम और आपने कथा की महिमा क्या है कथा हम क्यों सुनते हैं श्रवण किया सबकी वंदना करते हुए सबसे अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के नाम की वंदना की और नाम की वंदना करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। और अब ये कथा तीर्थराज प्रयाग में पहुंची। तीर्थराज प्रयाग प्रयाग नाम क्यों पड़ा? प्र अर्थात याग यानी यज्ञ। पहली बार यज्ञ भगवान ब्रह्मा जी ने किया प्रयागराज में इसलिए वहां का नाम तीर्थों के राजा प्रयागराज। बाबा कहते हैं भरद्वाज मुनि
पति अनुराग जी निवास करते हैं। दम 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 कहे तो उनकी इंद्रियां उनके वश में है, उनका मन उनके वश में है। परमार्थ पथ पर चलने वाले ऐसे भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। सभी ऋषि महात्मा जाने लगे, उसमें याज्ञवल्क जी भी जाने लगे। वहां से भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के पैर पकड़ लिए और याज्ञवल्क जी से कहते हैं, प्रभु हे ऋषिवर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किंतु मुझे भय है। भय किस बात का कि कहीं मैं आपसे ये प्रश्न करूं और आप मुझे ये ना समझ लें कि मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए मुझे भय है और मुझे लज्जा भी आती है। लज्जा किस बात की कि इस अवस्था में, इस उम्र में आने के बाद भी मुझे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। तो भय और लज्जा दोनों है, लेकिन संशय भी है।
और आपके सिवाय ये संशय कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए हे नाथ मेरे इस संशय को दूर करें। कहा जाता है कि संशयात्मा विनश्यति। अगर आपके मन में कोई संशय है तो उसको तुरंत दूर किया जाए, शीघ्र अतिशीघ्र दूर करिए। क्योंकि जिसके मन में संशय हो गया फिर वो बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार का भी संशय हो आप उसे तुरंत समाप्त करें, वरना संशय की कोई दवा नहीं होगी। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं, हे ऋषिवर राम कौन है? एक राम को मैं भी जानता हूँ जो दशरथ नंदन राम है, उनको मैं भी जानता हूँ। लेकिन क्या ये वही राम है जिनको भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते रहते हैं, या भी या कोई और राम है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की सारी बातें सुनते हैं और उसे कहते हैं, ऋषिवर मैं आपकी चतुराई जान गया, मैं आपकी चतुराई जान गया। आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। आप परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, किंतु फिर भी आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप राम जी की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं, उनकी पूरी कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने हमसे ये प्रश्न किया। याज्ञवल्क जी ने कहा, मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा और भरद्वाज जी को राम जी की कथा सुनाने लगे। कहते हैं याज्ञवल्क जी कि उनकी कथा सुनाने से पहले एक बीच में की कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक बार दंडकारण्य में अगस्त ऋषि निवास करते हैं पंचवटी के पास, और एक बार भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ स्वयं चलकर आए अगस्त ऋषि के पास राम जी की कथा श्रवण करने। और आने के बाद जब आए अगस्त ऋषि ने देखा कि भगवान भोलेनाथ हमारी कुटिया में पधारे हैं, खुशी के मारे उछल कूद करने लगे, प्रसन्न हो गए कि हमारे निवास में, हमारे इस कुटिया में स्वयं भगवान भोलेनाथ चल करके आ रहा है। और भगवान भोलेनाथ जब आए तो परम पुनीत आसन पर बिठाया, पद प्रक्षालन किया, सोडसो प्रकार भगवान का पूजन वंदन किया। और यह करते हुए जब सती मैया ने देखा तो उनके मन में संशय हो गया। क्यों? क्योंकि जो वक्ता होता है वो सदैव बड़ा होता है और जो श्रोता होता है वो सदैव छोटा होता है। वक्ता का स्थान ऊपर है, श्रोता का स्थान नीचे है। सती मैया मन में विचार कर रही है, ये वक्ता है, हम श्रोता है, और यहाँ तो वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे? कई लोग कथा में ऐसे आते हैं, बाहर से खड़े होते ही मन में ये विचार करने लगते हैं, अरे इनकी उम्र क्या है, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये क्या कथा कहेंगे। लेकिन ये तो भगवान की कथा है, घी का लड्डू वो चाहे जैसे भी खाए फायदेमंद ही होगा, वैसे ही ये कथा है। कथा तो कथा, लेकिन कुछ लोग दूर से ही मन में ये संशय पाल लेते हैं कि इनसे ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ, ये क्या सुनाएंगे। कदापि ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए। यहाँ सती मैया को संशय हो गया कि ये वक्ता ही श्रोता का पूजन कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएंगे। और नौ दिनों तक सती मैया कथा में बैठी रही, लेकिन कथा नहीं सुनी। इस पंडाल में जितने लोग उपस्थित हैं, ये जरूरी नहीं कि सभी कथा ही सुन रहे हैं,
अक्सर ऐसा होता है कि हम शरीर से कथा में होते हैं किंतु मन से कहीं और होते हैं। कितने लोग हैं कि शरीर से यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मन हमारा कहाँ है? व्हाट्सएप खोलने में, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। शरीर से तो है किंतु मन से कथा में उपस्थित नहीं है। उसी प्रकार सती मैया 9 दिन तक कथा में रही किंतु शरीर से, मन से नहीं। बाबा ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि सती मैया कथा नहीं सुन रही है, बस भगवान भोलेनाथ ही कथा सुन रहे हैं। 9 दिनों तक कथा सुनाने के बाद जब भगवान भोलेनाथ जाने लगे तो कहते हैं, हे ऋषिवर वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? अगस्त ऋषि मन ही मन विचार करते हैं कि राम जी की भक्ति देने का टेंडर भगवान भोलेनाथ को ही प्राप्त हुआ है, क्यों नहीं उनसे वही मांग लिया जाए। और अगस्त ऋषि ने भगवान भोलेनाथ से भगवान की भक्ति मांगी। भगवान भोलेनाथ प्रभु की भक्ति प्रदान करके वहां से चल दिए। और उसी समय सीता मैया का हरण हो गया है और भगवान राम विलाप कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ उत्तर जा रहे हैं और भगवान राम ठीक उन्हीं के नीचे दक्षिण जा रहे हैं। सीता मैया का पता लगा ले। भगवान भोलेनाथ मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जिस भगवान की कथा इन कानों ने श्रवण किया, अगर नाथ के दर्शन भी मिल जाते तो ये नेत्र धन्य हो जाते। अभी मन ही मन विचार कर रहे हैं, तब तक उधर भगवान राम भी सोच रहे हैं, अरे बाबा यहीं से जा रहे हैं, अगर आज बाबा के दर्शन हो जाते तो बड़ा बढ़िया होता। दोनों आपस में विचार कर रहे हैं। अब राम जी दक्षिण जा रहे थे, तुरंत लौट के फिर उत्तर की तरफ मुड़ गए और ऊपर भगवान भोलेनाथ, नीचे भगवान राम ठीक सामने आए। जब भगवान भोलेनाथ ने राम जी को देखा, सच्चिदानंद परम धाम कहकर के उन्हें प्रणाम किया। जब सती मैया ने देखा कि सच्चिदानंद परम धाम कहकर के भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती तुम भी प्रणाम करो। किंतु सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। कहती है, एक जीव को, एक मनुष्य को आप प्रणाम कर रहे हैं? मन ही मन विचार कर रही है कि हमारे स्वामी को ये पूरा संसार पूजता है, सब प्रणाम करते हैं और आज ये एक मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। कहती ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार से उन्हें समझाते हैं किंतु सती मैया नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि वो कथा ही नहीं सुनी थी। अगर कथा सुनी होती तो उन्हें पता होता कि सीता मैया का हरण भी हुआ था और राम जी ने विलाप किया, लेकिन उन्होंने कथा सुनी नहीं थी इसलिए उन्हें भ्रम हो गया था। इधर भगवान भोलेनाथ आनंद में हैं, बिल्कुल नृत्य करने लगे और उधर राम जी रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं, अब प्रभु पंचवटी में आ गए हैं और आगे बढ़ेंगे, जाएंगे शबरी मैया के पास और शबरी मैया उनको भेज देंगी किसके पास? सुग्रीव जी के पास। और सुग्रीव जी हमें यानी हनुमान जी महाराज को भेज देंगे और आज प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। ये सोच करके प्रसन्न हैं और इधर राम जी विलाप कर रहे हैं। क्यों? हमने संतों के मुख से ऐसा सुना है कि कुछ संत थे तो अच्छे अच्छे संगमरमर लेकर के बैठे हुए थे, बड़ा बड़ा गोरा गोरा पत्थर,
और इसलिए बैठे हुए थे कि सोच रहे थे कि हमने सुना है कि राम जी के चरणों में जो धूलि लगी हुई है उसके स्पर्श से सुंदर पत्थर सुंदर नारी बन जाते हैं। तो आज राम जी आएंगे, उनका चरण स्पर्श करवा के हम लोग भी सुंदर सुंदर नारी पा जाएंगे। सोच सोच के सब प्रसन्न है। जब राम जी ने देखा कि संतों का ये हाल है, ये दशा है, राम जी विलाप करने लगे। एक संत महात्मा देखे, अरे तो राम जी रुदन कर रहे हैं। आपस में पूछते हैं, ये रो क्यों रहे हैं? एक संत कहते हैं कि मैया का हरण हो गया है और इसलिए ये रो रहे हैं। तो दूसरे संत कहते हैं, क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ेगा क्या? कहते हैं, अरे जब ये भगवान का ये हाल है तो हम तो आम मनुष्य हैं, हमको भी रोना पड़ेगा। सारे संत महात्मा पत्थर उठा उठा फेंक देते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए मुझे नारी, और फिर राम राम करने लगते हैं। इधर सती मैया को भ्रम हो गया, बार बार कहने के बाद भी भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु सती मैया नहीं माने, उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाइए स्वयं परीक्षा ले लीजिए, किंतु सावधान। क्यों? क्योंकि आप जिसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं वो कोई जीव नहीं, वो जगदीश है। इसलिए सोच समझ करके परीक्षा लीजिएगा, जो भी विधि अपनाइएगा वो सावधान होकर के। आपसे निवेदन करूं कि किसी भी संत की, सदग्रंथ की, भगवान के मंत्र की स्वप्न में भी कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती मैया भगवान राम की परीक्षा लेने चली और भगवान भोलेनाथ बीच में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जा करके सती मैया मन में विचार कर रही कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। सती मैया ने सोचा कि सबसे बढ़िया उपाय है कि मैं सीता ही क्यों न बन जाऊं, ये सीता को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता ही बन जाती हूं। और सती मैया ने माँ सीता का वेश बना लिया और वेश बनाने के बाद जा करके एक वृक्ष के सामने खड़ी हो गई। इधर लक्ष्मण जी देख रहे हैं और कहते हैं, अरे अरे तू नकली भाभी है। लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि ये सती मैया है, फिर मौन हो जाते हैं कि हो सकता है भगवान की कोई लीला चल रही, इसलिए कुछ बोलते नहीं है, मौन है, ध्यान रहे। किसी का वेश बना लेने से, किसी का स्वरूप बना लेने से आदमी वो नहीं बन जाता है। स्वभाव आप कहां से लाएंगे? वेश तो बना सकते हैं किंतु किसी का स्वभाव आप नहीं ला सकते। सीता मैया का स्वभाव था वो भगवान के सदैव पीछे चलती थी और सती मैया आज राम जी के आगे खड़ी है, इससे लक्ष्मण भैया पहचान जाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी सती मैया के पास गए और जाकर के कहते हैं प्रणाम। सती मैया शर्म के मारे बिल्कुल पानी पानी हो जाती है और समझ जाती है कि भगवान ने हमको पहचान लिया। मन ही मन पछतावा होने लगता है कि ये हमने क्या कर दिया, भगवान के बार बार मना करने के बावजूद भी हम भगवान की परीक्षा लेने आ गए। फिर भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है और वहां से सती मैया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले चल देती है भगवान भोलेनाथ के पास और जा करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा ली, विधि बताओ, तुमने कैसे परीक्षा लिया। सती मैया कुछ बोलती नहीं और कहती है, कछु ना परीक्षा लीना गुसाई, कछु ना परीक्षा लीना गुसाई, कीन्हा प्रणाम
कहते हैं विधि बताओ किस प्रकार से परीक्षा ली। सती मैया कहती है भगवान मैंने भगवान की परीक्षा नहीं ली, मैं भी प्रणाम करके चली आई। भगवान भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ, कहते हैं कि मैंने इतना समझाया किंतु सती ने प्रणाम नहीं किया। और बीच में इनको कौन गुरु मिल गए जो इनकी मति बदल गई और ये जाकर के प्रणाम करके चली आई। सती मैया कहती है प्रभु फर्क सिर्फ इतना ही था कि आप ऊपर से प्रणाम किए और हम भगवान राम के नजदीक जाकर के उनको प्रणाम किए, फर्क सिर्फ इतना ही था। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को विश्वास नहीं हुआ। फिर देख ली जिस प्रकार से सती मैया ने भगवान राम की परीक्षा ली। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती ने हमारी माँ सीता का वेश बनाया था, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दुखित हो गए, बहुत दुखित हुए और मन ही मन ये संकल्प लेते हैं कि अब इस शरीर से हमारा मिलना नहीं हो सकता। अब आप हमारी पत्नी नहीं है, अब आप हमारी माता हो गई हैं। इसलिए मैं आपके साथ अब ये गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकता। और मन ही मन संकल्प लिए। प्रण जो होता है वो सबके सामने लिया जाता है और जो संकल्प होता है वो अपने मन में लिया जाता है। जब भगवान भोलेनाथ ने ये संकल्प सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं, कहते हैं प्रभु आप धन्य हैं, आपके जैसे भगवान का कोई भक्त नहीं है, आपने ये संकल्प लेकर के अपनी भक्ति दिखाई, धन्य है प्रभु। इधर सती मैया देखती हैं, पूछती हैं भगवान आपने क्या संकल्प लिया, किंतु भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती मैंने जो संकल्प लिया मैं आपको मुंह से नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने व्यवहार से बताऊंगा कि मैंने संकल्प क्या लिया। और उसके बाद से भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष समाधि में लीन हो गए। समाधि में लीन होने के बाद फिर प्रभु की कृपा हुई और समाधि से बाहर आए और फिर सती मैया को अपने सम्मुख आसन दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको वो अपनी माता समझते हैं, इसलिए अपने सम्मुख आसन दिया और फिर लगते हैं भगवान की कथा सुनाने।
फिर भगवान की कथा सुना रहे हैं, तब तक बीच में ही जितने देवता थे सब जाने लगे विमान पे चढ़ के। सती मैया फिर देखी ऊपर और कहती हैं, प्रभु ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर उनका मन कथा में नहीं लग रहा है, फिर ध्यान गया कि ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं इतना सज धज करके। पूछती हैं और जितने देवता थे सब सर के ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, क्योंकि आप आपके ही ससुराल में हम सारे लोग जा रहे हैं सिवाय आपके, आप नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए सब सर पे चढ़ के जा रहे हैं। अरे हम कहते हैं कि यहाँ तमसा तट पे आने का रास्ता मान लीजिए ये है, अगर वहाँ जाने से किसी को दुख होता है तो हम बाईपास पकड़ के भी आ सकते हैं, तो देवता दूसरे रास्ते से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं गए, जलाने के लिए चढ़ाने के लिए सर से होकर के जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपके ससुराल में हम सभी आमंत्रित हैं सिवाय आपके। उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का राजा बना दिया और भगवान भोलेनाथ सती मैया से कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिता दक्ष आए और सभी खड़े हुए शिवाय ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष ने सोचा कि तो ब्रह्मा है खड़े नहीं हुए ठीक है, ये विष्णु है ये प्रणाम नहीं किए ठीक है, किंतु ये तो हमारा दामाद है इसको तो प्रणाम करना चाहिए, ये भी प्रणाम नहीं किया और तभी से उनसे शत्रुता कर बैठे। सती मैया पूछती हैं कि आप सभा में बातचीत करने गए थे कि ध्यान में लगने गए थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ो, लेकिन अभी जो चल रहा है उस पर विचार करो। सती मैया कहती हैं, प्रभु बहुत दिन हो गए, मैं पिताजी के यहाँ जाना चाहती हूँ और इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, सारी बहनें आई होंगी, हमें भी जाने दीजिए। भगवान भोलेनाथ फिर समझा रहे हैं मत जाइए। फिर सती मैया कहती हैं, स्वामी गुरु के घर, पिता के घर, अपने मित्र के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आपका कहना सत्य है, किंतु जहाँ जाने से हमारा विरोध हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। सती मैया फिर नहीं मानी, इतना समझाने के बावजूद भी भगवान भोलेनाथ ने अपने दो गणों के साथ सती मैया को विदा कर दिया, विदा कर दिया उन दो गणों के साथ। सती मैया पहुंचती हैं अपने मायके और जब वहां जाती हैं तो उन्हें देख करके कोई प्रसन्न नहीं। जितनी बहनें थी भगिनी मिली बहुत मुस्काता, खूब मुस्कुरा के मिल रही है। क्यों? सती मैया का उपहास कर रही है कि हम सभी अपने अपने पति के साथ आई हैं और तुम बिन बुलाए आ गई। सब उपहास कर रही है, कोई देख करके प्रसन्न नहीं है। लेकिन जब उनकी माता ने देखा तो दौड़ी आई और सती मैया को अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद कुछ आपस में बातचीत करती हैं। सती मैया फिर अपनी माता से कहती है, माँ यज्ञ कहाँ हो रहा है, मुझे वहां ले चलो, मुझे दर्शन करना है। उनकी माता उनको लेकर के नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जानती हैं कि अगर ये वहां गई तो शुभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको आसन दिया गया है किंतु भगवान भोलेनाथ का आसन नहीं है और ये देख करके सती को अच्छा नहीं लगेगा। किंतु बार बार कहने पर सती मैया को लेकर के उनकी माता जी यज्ञ के पास पहुंची।
और जब जा करके सती मैया देखती हैं कि सबका आसन लगा हुआ है, सबका भाग है, किंतु हमारे पति का यहाँ कोई भाग ही नहीं है। फिर सती मैया बिल्कुल क्रोध में आ जाती हैं और क्रोध में आकर के लगती हैं कह के, बिल्कुल क्रोध में आ जाती हैं और दपट पड़ती हैं सब पे। कहती है कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जितने भी ऋषिगण, जितने भी देवता, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका कल्याण नहीं होगा। जिस जिसने भी भगवान भोलेनाथ की निंदा की है अर्थात सुनी है, उसका कल्याण नहीं होगा, उसको उचित दंड मिलेगा। और यह शरीर जो दक्ष से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस शरीर का अभी त्याग करूंगी। लेकिन जिसने भी यहाँ निंदा की है और सुनी है, उसको उचित दंड मिलेगा। नियम ये है कि जहाँ आपके गुरु की, आपके माता पिता की अवहेलना हो रही हो, अगर आप सक्षम हैं तो उसकी जीवा काट लीजिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाइए। और माँ दपट पड़ी सब पे और अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके माँ ने अपने आप को भस्म कर डाला। भस्म करने के बाद जो माता के साथ जो दो गण आए हुए थे, पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। जो भृगु मुनि थे उनकी दाढ़ी नोच दी सब। पूषा नाम के एक मुनि थे, वो बहुत हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, पूरा 3200 का 3200 दांत बाहर। इधर भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि सती ने अपने आप को भस्म कर डाला, तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाई और वीरभद्र प्रकट हुए और उनको भेजा। वीरभद्र आए, पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। और फिर अंत में जाकर के दक्ष के धड़ से उनका सिर अलग करके यज्ञ में फेंक दिया। सबको उचित दंड मिला और अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला करके यज्ञ की रक्षा की गई। एक बात निवेदन करूं कि कोई भी सत्कर्म, कोई भी धर्म, कोई भी यज्ञ अगर किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप करें, तो वो कभी सफल नहीं होता है। दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ किया था, जो सफल नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ आए और फिर दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। एक हमारे बाबा है राही, तारकेश्वर मिश्र राही, उन्होंने मुझे एक छंद सुनाया था कि मैना ने मैना कहा, मूल भयो दस बीस, और मैना ने मैना कहा, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना जो होती है वो दिन रात कहती है मैना, मैं नहीं। और बकरा क्या करता है, दिन रात मैं लगाए रहता है। हमने किया, जो कुछ भी किया हमने किया, हम आप भी यही करते हैं, जो कुछ भी किया हमने किया। अच्छा करे तो हम करें और बुरा करे तो भगवान करते हैं। भगवान इतने बुरे हैं क्या? कितने लोग ऐसा कहते हैं, महाराज जी हमारा जो बेटा है ना, वो दिन रात मेहनत किया, 12-12 बजे रात तक पढ़ाई की उसने, 100 में से 99% नंबर लाया। अच्छा, और अगर बच्चा फेल हो गया तो कहते हैं महाराज जी बच्चे ने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन भगवान को ही मंजूर नहीं था।
मतलब कि बढ़िया करे तो हम करे, जितना अच्छा होता है सब हम लोग करते हैं और जितना बुरा काम होता है सब भगवान करते हैं। कितने चालाक तो हम लोग हैं। तो जो मैना होती है वो दिन रात कहती है कि मैं नहीं, और बकरा दिन रात मैं लगाए रहता है। ये नहीं होना चाहिए। बस जो करे सब राघव जी करे, हमें तो बस अपना काम करना है। अरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अल्पे राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अल्पे संभालो इंतजार, हो मेरे
का नहीं जगदीश का। एक बहुत अच्छे साधक हुए बिंदु गोस्वामी जी। वो जब कथाओं में जाया करते थे खूब श्रृंगार करते थे, कम से कम 2 घंटे श्रृंगार करते थे अपना। तो जो आयोजक थे वो उनसे एक दिन आकर के कहे, महाराज जी आप कथावाचक हैं, आप संत हैं और आप इतना श्रृंगार करके मंच पे जाते हैं। बिंदु गोस्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, कहा इधर आओ। गए महाराज जी, बताइए क्या बात है। कहते ही बताओ, तुम जो है जीव की नौकरी करते हो, तुम जीव की नौकरी करते हो तो इतना सजते धजते हो, और तुमको जिसने बनाया, इस पूरे जगत को जिसने बनाया, उस जगदीश की नौकरी मैं करता हूँ, तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं सजूंगा। आयोजक जी शांत हो गए। तो गुलाम बना जाए लेकिन जगदीश का, जीव का गुलाम बनेंगे तो सिर्फ व्यथा में रहेंगे, और जगदीश का गुलाम बनेंगे तो सदैव आनंद में रहेंगे। उसके बाद से भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए और यज्ञ की रक्षा किए। यज्ञ की रक्षा करने के बाद सबसे अंत में सती मैया भगवान विष्णु से ये वरदान मांगती है, कहती है, प्रभु जनमा जनामा शिव पद अनुराग। कहती है, भगवान एक ही वरदान चाहिए आपसे। क्या? कि मुझे जो भी जन्म मिले, जितना भी जन्म मिले, मैं हर जन्म में भगवान भोलेनाथ की ही दासी बनूं। भगवान विष्णु ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और कहते हैं, अच्छा ये बताइए, जो आपके पिता दक्ष थे इस जन्म में, क्या अगले जन्म में वही आपके पिता रहेंगे? कहती है, नाना प्रभु पत्थर का पिता मुझे दे देना, किंतु इसको पिता कभी नहीं बनाना, और इसलिए तेहि कारण है मगिरी गृह जा जनमी पार्वती तनु और इसी कारण अगले जन्म में पार्वती के रूप में सती मैया ने राजा हिमांचल जी के घर जन्म लिया। और इधर जब नारद जी को पता चला कि सती मैया ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया है, तो पहुंचते हैं पार्वती मैया के पास। जब हिमांचल जी देखे कि नारद जी आए हुए हैं, महाराज जी का आगमन हुआ है, आपको मंच में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जब राजा हिमांचल जी ने देखा कि नारद जी का आगमन हुआ है, अत्यंत प्रसन्न हुए, परम पुनीत आसन पर बिठाया, 1600 प्रकार पद पूजन किया नारद जी का, और कहते हैं, नारद जी तनिक हमारी पुत्री के दोष बताइए। गुण नहीं पूछा, क्या पूछा? दोष पूछा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे नसीब में क्या क्या लिखा है, थोड़ा बता दीजिए, बढ़िया वाला ही बताइएगा, बेकार वाला नहीं। लेकिन राजा हिमांचल जी ने अपनी पुत्री के दोष पूछा कि इसके दोष क्या है, क्यों? क्योंकि जो गुण है वो तो इसमें विद्यमान ही है, किंतु अगर दोष का हमें पता चल जाए तो उस दोष को हम दूर कर सकेंगे, इसलिए दोष पूछा, गुण नहीं पूछा। नारद जी पार्वती मैया के हाथ देख करके कहते हैं
कि हिमांचल जी आपके पुत्र के तीन नाम हैं, उमा, अंबिका और भवानी। इनकी बड़ी कृति होगी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जितने भी अच्छे गुण थे सब बता दिए। हिमांचल जी ने कहा, ऋषिवर हमने दोष पूछा था, गुण नहीं पूछा था, आप मुझे दोष बताएं। नारद जी कहते हैं, हिमांचल जी आपके पुत्री में कोई दोष ही नहीं है, लेकिन हाँ, जो इसका वर होगा उसमें दोष है। कहिए तो इसके भाग्य में जो वर लिखा है उसके मैं दोष बताऊं। हिमांचल जी कहते हैं, बताइए। उसके बाद से अब नारद जी दोष बता रहे हैं। कहते हैं, अगुण अमान मातु पितुहीना। जब इन्होंने कहा अगुण, हिमांचल जी समझे कि उसमें कोई गुण विद्यमान नहीं होगा, अमान उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, किंतु नारद जी के कहने का अर्थ था कि अमान जो मान सम्मान से परे होगा। और इन्होंने समझ लिया कि जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा, अमान होगा। मातुपित हुई ना, उसके माता पिता नहीं होंगे, विकराल देश होगा, नग्न रहता होगा। जब इतना सारा बता गए, राजा हिमांचल जी रोने लगे और मैना मैया भी रोने लगी और इधर पार्वती मैया भी रो रही हैं, किंतु दोनों के रोने में ये दोनों रो रहे हैं कि हमारी बेटी के भाग्य में ऐसा वर लिखा है, हमारी बेटी इतनी सुंदर और उसका वर ऐसा मिलेगा, ये सोच करके रो रहे हैं। और पार्वती मैया प्रसन्न है कि लगता है कि जो राम जी से हमने वर मांगा था वो भगवान ने मुझे दे दिया है, इसलिए प्रसन्न है कि अब मुझे वही मिलेंगे। राजा हिमांचल जी कहते हैं, नारद जी एक काम करिए ना। नारद जी कहते हैं, क्या? आ तो दुल्हा बदल दीजिए। जब नारद जी सुनते हैं कि दुल्हा बदलने की बात कर रहे हैं, कहते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं, आपका दिमाग तो सही है, ये तो हो नहीं सकता, जो लीलार में, जो इस ललाट में, जो भाग्य में लिख गया है वो तो होना ही होना है, किंतु एक उपाय है। क्या? अगर आपकी पुत्री भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या करे तो ये सारे जितने गुण अवगुण हैं सब भगवान भोलेनाथ में विद्यमान हैं। अगर तपस्या करे तो वो इसको प्राप्त हो सकते हैं। अब पार्वती मैया प्रसन्न है। राजा हिमांचल जी ने मैना जी को बहुत बार से समझाया है, बहुत प्रकार से समझाया है। पार्वती मैया छोटी सी उम्र में तपस्या करने चली गई और जाकर के कठोर तप किया। कठोर तप करने के बाद से तपस्या करते करते भगवान आकाशवाणी की, आकाशवाणी हुई कि आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप अपने घर जाइए और रास्ते में जब सप्तर्षि मिले तो हमारी इस वाणी को आप सत्य समझिएगा। पार्वती मैया प्रसन्न है और उधर कथा बदलती है। उधर क्या हुआ कि भगवान भोलेनाथ के पास एक दिन राम जी पहुंचे और जाकर के राम जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने जाई विवाह हुसैन जही, यह मोहि मांगे दे। कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, अगर आप मुझसे सत्य में प्रेम
प्रेम करते हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप जाकर के पार्वती मैया से विवाह करिए। भगवान भोलेनाथ फिर डर जाते हैं कि एक बार तो जो हुआ हमने सहन किया, अब दोबारा फिर ये वही करने को कह रहे हैं। उदास हो जाते हैं कि मैं गृहस्थ से विरक्त में आया था और राम जी विरक्त से फिर गृहस्थ में जाने को कह रहे हैं। किंतु कहते हैं भगवान, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप सत्य में हमसे प्रेम करते हैं तो मैं अवश्य ये कार्य करूंगा, लेकिन समस्या ये कि मैं खुद दूल्हा हूँ और दूल्हा स्वयं जाके कहे कि आप हम अपनी बेटी से हमारा विवाह कर दीजिए, ये भी अच्छा नहीं लगता, ये भी शोभा नहीं देता। उसके बाद भगवान भोलेनाथ सप्तर्षियों को भेजे हैं, किसके पास? पार्वती मैया के पास। क्या करने? परीक्षा लेने जाइए, बहुत प्रकार से उनकी परीक्षा लीजिए। सप्तर्षि पार्वती मैया के पास पहुंचते हैं और जाकर के पार्वती मैया से बहुत प्रकार से समझाते हैं, कई प्रस्ताव देते हैं। कहते हैं कि आप उस विकराल वेशधारी शिव के लिए तपस्या कर रही हैं, अरे आप कहिए तो मैं विष्णु से आपका विवाह कर दूं, जो सभी गुणों के धाम हैं उनसे आपका मैं विवाह करवा दूं। आप उस शिव के लिए तपस्या की है? पार्वती मैया कुछ बोलती नहीं है और फिर क्रोध में आती, कहती है इस संसार में आपको कोई दूसरी लड़की नहीं मिली, अब तो जो होना था सो हो गया, अब मेरा मन बदलने वाला नहीं है। मैंने जिसको मन में मान लिया, जिसको पति मान लिया, अब तो वही बनेगा, चाहे मुझे सैकड़ों जन्म क्यों ना लेना पड़े, मेरा जो प्रण है वो बदलने वाला नहीं है। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी अगर आकर ये कह दे तो मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि लगन उनसे लगा बैठे, अरे लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन उनसे लगा बैठे, जो उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। Oh,
लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, किंतु मन नहीं बदलने वाला है। इतनी दृढ़ इच्छा देख करके जितने सप्तर्षि थे बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, पार्वती अब आप अपने घर जाइए। अब जब आपके पिताजी आपको लिवाने आए तो आप खुशी खुशी जाइएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपका विवाह भगवान भोलेनाथ से शीघ्र अति शीघ्र होगा। इधर भगवान भोलेनाथ के पास सप्तर्षि पहुंचे और जाकर के भगवान भोलेनाथ को ये सूचना देते हैं। और जब इतना प्रेम भगवान भोलेनाथ देखते हैं तो परमानंद में चले जाते हैं, फिर ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं और फिर समाधि लग जाती है। इतने प्रसन्न हुए, इतने मगन। और उसी बीच ताड़कासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने घोर तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। क्या वरदान प्राप्त किया? कि मेरी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के शुक्र से जो पुत्र हो उससे हो। कितना चालाक है। उसने सोचा कि एक बार समाधि लगी तो 87,000 वर्ष बाद आए। पहली जो सती थी वो मर चुकी है और अब दोबारा समाधि लग गई तो अब ठिकाना नहीं है कि कब आएंगे समाधि से बाहर, 1,000 वर्ष बाद कि करोड़ वर्ष बाद, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वरदान मांग लिया कि भगवान भोलेनाथ का जो पुत्र हो उससे हमारी मृत्यु हो। सब चिंतित हैं, सभी देवताओं को परेशान कर दिया, लगा दौड़ा दौड़ा सबको मारने, त्रास देने लगा। सभी देवता दौड़े भागे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको कह रहे हैं कि अब एक ही उपाय है कि कामदेव के पास चला जाए। दुर्गादास जी महाराज का आगमन हो रहा है दोबारा प्रेम से। हरे रामा रामा राम सीता राम राम। कामदेव के पास पहुंचे और कामदेव के पास जाकर के स्तुति करने लगते हैं। कामदेव कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये कार्य करने से, भगवान भोलेनाथ को समाधि से बाहर लाने से हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, किंतु देवताओं का हित जान करके मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। और सबका हित जान करके कामदेव वहां से चल पड़े, कहां? भगवान भोलेनाथ के पास। और कामदेव को 2 घड़ी समय लगा भगवान भोलेनाथ के पास जाने में, और उस 2 घड़ी में पूरा का पूरा संसार, पूरा विश्व काममय हो गया। जो ऋषि, जो संत महात्मा राममय पूरा इस सृष्टि को देखते थे वो काममय देखने लगे, सब त्रस्त हो गए। और यहाँ पे बाबा ने एक दोहा लिखा, क्या? धरी न काहू धीर सब, सबके मन मन सिज हरे। ये जब लिखा इतना तो कहते हैं कि धरी न काहू, किसी ने धैर्य धारण नहीं किया,
किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। अब गोस्वामी जी परेशान है कि ये हमने क्या लिख दिया, क्या पूरा संसार, क्या पूरा विश्व कोई धैर्य धारण नहीं किया, सब काममय हो गए। गोस्वामी जी अपना पोथी पतरा बंद किए और सो गए। क्यों कहते हैं कि अब तो मैं जो लिख दिया हूँ उसको काट भी नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ, अपना पोथी पतरा बंद किए और सो गए। उधर से हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने क्या लिख दिया, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल। कहते हनुमान जी महाराज कि जिस पर भगवान की कृपा रही उसके ऊपर काम का कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। इधर कामदेव भगवान भोलेनाथ के पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और जा करके पांच पुष्पों का बाण अनुसंधान करके और भगवान भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया और एक वृक्ष के पास छुप गए। और जब बाण छोड़ा भगवान भोलेनाथ के हृदय में जा करके लगा, भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और चारों ओर दृष्टि डालते हैं कि किसने ये कार्य किया। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि उस वृक्ष के पत्तों के बीच छुपी हुई कामदेव के पास पहुंची और जो ही भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को देखा तुरंत जला करके भस्म कर डाला। भस्म करने के बाद सभी देवता छुपे हुए थे, सभी आए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो हमारे हृदय से राम को हटा करके काम को लाए उसका मरना निश्चित है। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने काम को भस्म कर दिया और उसके बाद सभी देवता आते हैं धीरे धीरे और भगवान के पास आकर के स्तुति करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ सबको बिठाए हैं और उनसे पूछते हैं और आज की कथा यही विश्राम लेती है। दो बार प्रेम से हरिनाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जी महाराज की।